नमस्कार मित्रों, जय अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल में आपनु फरीथी स्वागत छे। मित्रों, आपणे वाणिज्य व्यवस्था ने संचालन विषय में प्रकरण 3 धंधाकीय सेवाओं 2 नो अभ्यास करीए छीए। अगाउना वीडियो में आपणे बैंक विषय घणी बधी माहितीओ मेळवी, बैंकना कार्यो अने बैंकनी सेवाओ, बैंकना खाताना प्रकार वगैरह जेवी विगतोनो आपणे अभ्यास करी चूक्या छीए। तो मित्रों, आजे अपने बैंकनी जे नवी पद्धति छे ई बैंकिंग एनो आजे अभ्यास करीशुं। मित्रों, पहला तो ई बैंकिंग एटले शुं, तो के इलेक्ट्रॉनिक साधनोनी मददथी बैंकिंग व्यवहारो करवा एटले के ई बैंकिंग। मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ने अपने वेब बैंकिंग, वर्च्युअल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग अने इंटरनेट बैंकिंग तरीके पण ओळखी शकीए। मित्रों, ई बैंकिंग कई कई रीते काम करे छे, शू काम करे छे, एनी माहिती मेळवीए ए पहला आपणे एनी प्रस्तावना जोईए। तो पहलू छे परंपरागत प्रक्रिया। तो मित्रों, अत्यारे जे बैंक काम करे छे अने अगाउ कई रीते बैंक काम करती थी एनी माहिती आपणे मेळवी जरूरी छे। मित्रों, आपणने खबर ज छे, आपणे पण बैंकमां दरेक विद्यार्थी गया ज हशे कि कई रीते बैंक काम करे छे। तो खातेदारना व्यवहारों नोंधवा माटे, दरेक खातेदारना व्यवहार नोंधवा माटे बैंक एक अलग लेजर एटले के खातू अपडेट करे छे। एटले कोईपण खातेदार कोईपण व्यवहार करवा माटे जाए तो एक खातानी अंदर एनी एंट्री करवामां आवे छे। मित्रों, आना लीधे बैंकना कर्मचारीओना कामकाज वधी गया हता। अने बीजू तो के कोईपण व्यवहार थाय ग्राहक वती एना वाउचर साचवानी पण आ एक जवाबदारी बैंकोनी थती। अने तमने खबर छे कि बैंकनी अंदर ते व्यवहार करवा जाओ त्यारे खातेदारना जे सहीना नमूना होय आपेला, जारे खातू खोलाव्यू होय त्यारे तो ए पण चेक करवामां आवे छे अने कामनी अंदर विलंब थाय छे। मित्रों, कहेवानो मतलब यंत्र वगण मेन्युअली रीते पहेला बैंकना कामो थता हता। त्यारबाद थोड़ा सुधारा थता गया अने नेटवर्कनी मदद थी कम्प्यूटरनुं जोड़ाण थयुं। एटले के कोई एक ज बैंक होय, ए बैंकनी अंदर घणा बधा कम्प्यूटर होय तो दरेक कम्प्यूटरने सर्वरनी मदद थी, नेटवर्कनी मदद थी एकबीजा साथे जोड़ी देवामां आव्या। अने एना लीधे शुं थाय, तो के कोई कम्प्यूटर बगड़ी जाय अथवा तो कोई कम्प्यूटरमां कोई प्रॉब्लम होय, बीजी होय तो एवा समये कोईपण कम्प्यूटरनी अंदरथी तमे ए खातेदार होय एनुं कामकाज करी शको छो। कहेवानो मतलब के दरेक खातेदारनी दरेक विगत बधा ज कम्प्यूटरनी अंदर जोवा मळती। पण अहींया पण प्रश्न तो ए ज थतो के बैंकोनी अंदर लाइन पड़ती अने काममां विलंब थतो। एनाथी आगळ जईए तो इंटरनेटनो उपयोग, कहेवानो मतलब एवो थाय के डिजिटल युगनी अंदर इंटरनेट वगर कंई शक्य नथी। तो अहींया पण बैंकना कम्प्यूटरने इंटरनेटनी मददथी जोड़वामां आव्या। कहेवानो मतलब ए थाय के अहींया इंटरनेट एटले इंटरनेटने स्तरना बंधनो नड़ता नथी। कहेवानो मतलब के विश्वनी अंदर कोईपण जग्याए आवेली बैंक होय તે ઇન્ટરનેટની મદદથી જોડાઈ શકે છે। કહેવાનો મતલબ એવો થાય કે અમુક બેંકની જે ખાતેદારની માહિતી તમે એ જ શાખાની કોઈપણ બેંકની અંદર જાઓ તો તમને એમાંથી મળી જાય, કારણ કે શાખાના અને કોઈપણ સ્થળના શાખાના જેટલા પણ કમ્પ્યુટર હોય બેંકના એ ઇન્ટરનેટની મદદથી જોડી દેવામાં આવેલા હોય છે। ત્યારબાદ એવું કીધું છે કે આવી કેટલીક મુશ્કેલીઓને લીધે ઈ બેન્કિંગની શરૂઆત થઈ। એટલે મિત્રો, અહીંયા યાદ રાખવા જેવું છે કે ઈ બેન્કિંગની શરૂઆત શા માટે થઈ, તો આપણે અગાઉ જે પદ્ધતિ હતી એની પણ થોડીક વિગતો આપણે લખવી પડશે। ત્યારબાદ જોઈએ આગળ તો કે ઈ બેન્કિંગ એની સમજૂતી આપીએ તો કે બેંકના વ્યવહારો ઇન્ટરનેટની મદદથી થવા લાગ્યા। કહેવાનો મતલબ એ થાય કે પહેલાં બેંકની અંદર જઈ લાઇનમાં ઊભું રહેવું પડતું અને વિલંબ થતો એ પ્રશ્ન હવે નીકળી ગયો છે। એટલે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો હોય તો ખાતેદારને બેંક
यूनिक कोड एटले के पासवर्ड आपसे अने पासवर्डनी मदद थी आ काम करी शकाय छे के मतलब कोईपण ट्रांजेक्शन करी शकाय छे। तो इंटरनेटनी मदद थी नाणाकीय व्यवहारों पण तमे करी शको छो, एटले के नाणा अन्य खाता में फेरफार करवा, वीजड़ी बिल भरव, फोन बिल वेरा भरवा के कोई वीमा प्रीमियम भरव वगैरह जेवा नाणाकीय व्यवहारों पण करी शकाय छे। त्यारबाद बिन नाणाकीय व्यवहारों एटले के खातानी जे कंई पण विगत होय ए स्टेटमेंटनी मदद थी तमारे मेरवी होय तो इंटरनेटनी मदद थी तमे रिक्वेस्ट मोकली शको छो। चेकबुक जोईती होय तो पण इंटरनेटनी मदद थी रिक्वेस्ट मोकली शकाय। पिन चेन्ज करवो होय तो पण इंटरनेटनी मदद थी मोबाइलमां पण करी शकाय। स्टॉप पेमेंट करवो होय, कोई चेक खोवाई जाय तो एवा संजोगोमां बैंकने इंटरनेटनी मदद थी तमे रिक्वेस्ट मोकली शको छो। कहेवानो मतलब के आवा नाणाकीय अने बिन नाणाकीय व्यवहारो करी शकाय छे। त्यारबाद मित्रों कोड बैंकिंग अने मोबाइल बैंकिंग, तो आ कोड बैंकिंग अने मोबाइल बैंकिंग नी चर्चा आगळ आपणे करवाना छे, पण आ इंटरनेट ने लीधे कोड बैंकिंग पण शक्य बन्यू छे अने मोबाइल बैंकिंग पण शक्य बन्यू छे। मित्रों बैंकना दरेक व्यवहारों इंटरनेट ने लीधे भौतिक स्वरूप ने बदले इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में थाय छे। कहेवानो मतलब कि तमारे पहला बैंक में नाणा जमा करावा जवुं होय तो भरणाचिठ्ठी भरवी पड़ती, त्यारबाद नाणा उपाड़वा होय तो चेक लखवो पड़तो, उपाड़चिठ्ठी लखवी पड़ती अने पछी तमने नाणा मळता। पण हवे आवा कोईपण व्यवहारों इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में थई जाय छे। मित्रों अगाउ तो अहीं एक वस्तु खास जाणवा जेवी चोपड़ी में नथी छता पण एक महत्वनो सवाल छे के भारतनी अंदर आ ई बैंकिंगनी शुरुआत क्यारे थई। तो कि भारत में 1997-98 में ICICI बैंक द्वारा इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत करवामां आवी हती। मित्रों ध्यान में रखा जेवी बाबत छे। त्यारबाद बैंक अने तेनी बधी शाखा इंटरनेट की मदद थी जोड़ायेल होय छे। केनो मतलब एवो थाय के जे आपणो IFSC कोड जे छे एनी मदद थी एक बीजी शाखा एक बीजा बैंको साथे व्यवहार करी शके छे। खातू कोईपण शाखा में होय अने कोईपण शाखा में व्यवहार करवो होय तो थई शके। धारो के आपणुं खातू SBI सूरत शाखा में होय अने आपणे अमदावादनी SBI शाखा में नाणा उपाड़वा होय के मूकवा होय जमा करवा होय तो पण ए काम करी शकाय छे। मित्रों ज्यारे आ इंटरनेट बैंकिंग एटले के ई बैंकिंगनी शरूआत थई त्यारे ग्राहकोने वधु माहिती मळे एना माटे बैंको द्वारा ई कॉर्नर चालू करवामां आव्या, ए पछी एजन्सीओ द्वारा के फ्रेंचाइजी द्वारा आवा ई कॉर्नर शुरू करवामां आव्या जहाँ ATM कार्ड थी व्यवहार तमे करी शको। बराबर एटले क्या व्यवहारो थई शके? तो कि तमारे नाणा जमा करवा होय तो बैंक में जवुं पड़तुं नथी, उपाड़वा होय तो पण बैंक में जवुं पड़तुं नथी, तमारे बैंक सिलक जाणवी होय कि बैंक में केटला रुपया छे एटले के बेलेंस जाणवुं होय तो पण तमे आ ई कॉर्नर सेंटर पर जई अने माहिती मेळवी शको छो। त्यारबाद एक महत्वनी वस्तु ए छे के आ इंटरनेट बैंकिंग ई बैंकिंगनी शुरुआत थई त्यारे मोबाइल नंबर थी बधा ज खाताओने कनेक्ट करी देवामां आव्या, एटले के दरेक खातेदार होय एना खातानी अंदर एनो मोबाइल नंबर एड करी देवामां आव्यो कि जेथी कोईपण ट्रांजेक्शन थाय तो एनो मेसेज खातेदारने मळी शके। अने आना लीधे बैंकनू होय के पछी खातेदारनू कार्य सरळ बन्यू, झड़पी बन्यू अने समय अने नाणानो पण बचाव थयो। मित्रों स्थर अने समयना बंधनोथी मुक्त व्यवहार, कहेवानो मतलब कि आ इंटरनेटने लीधे विश्वना कोईपण खूणामां आवेली शाखा होय बैंकनी तो तमे मुक्त रीते व्यवहार करी शको छो। बीजू एक वस्तु महत्वनुं छे के 24/7/365 पद्धतिथी कार्य शक्य बन्युं छे। केनो मतलब कि तमे 24 अवर इंटरनेटनी मददथी काम करी शको छो। 7 दिवस अठવાડિયાના રવિવાર પણ હોય તો પણ તમે ટ્રાન્ઝેક્શન કરવું હોય તો કરી શકો, 365 દિવસ તમે આ બેંકના કામ કરી શકો છો। બરાબર હવે અંતે ઈ બેંકિંગની સેવાઓ કઈ કઈ છે, એટલે કે ઈ ઇન્ટરનેટ બેંકને ઇન્ટરનેટ સાથે જોડવામાં આવ્યું ત્યારબાદ કઈ કઈ નવી નવી સિસ્ટમ અપડેટ થઈ, તો એમાં છે ATM। હવે ATM તમે જાણો છો એનો ઉપયોગ કઈ રીતે થાય એ પણ તમને ખબર જ છે, ઓટોમેટેડ ટેલર મશીન, પછી છે ટેલિફોન બેન્કિંગ, ત્યારબાદ ઇલેક્ટ્રોનિક
ક્લિનિંગ કાર્ડ્સ, ત્યારબાદ સ્માર્ટ કાર્ડ એટલે કે માઇક્રોચિપ્સ વાળા કાર્ડ હોય છે અને એનાથી ટ્રાન્ઝેક્શન ઝડપી અને સરળ બને છે. ત્યારબાદ એનઈએફટીની પણ આપણે અગાઉના વિડીયોમાં ચર્ચા કરી ગયા, નેશનલ ઇલેક્ટ્રોનિક ફંડ ટ્રાન્સફર, ત્યારબાદ આરટીજીએસ રિયલ ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ. આ એક નવી પદ્ધતિ છે મિત્રો, બુકમાં નથી. આઈએમપીએસ એટલે કે ઇમિડિયેટ પેમેન્ટ સર્વિસ, આ આરટીજીએસ એનઈએફટી કરતાં પણ ઝડપી સેવા છે. યુપીઆઈ એના કરતાં પણ ઝડપી સેવા છે. યુનિફાઇડ પેમેન્ટ ઇન્ટરફેસ અને મોબાઈલ બેન્કિંગ તથા ટેલી બેન્કિંગ. મિત્રો, મોબાઈલ બેન્કિંગની પણ પછીના વિડીયોમાં આપણે ચર્ચા કરીશું. અસ્તુ.